अब इसके बाद मैंने मोबाइल देखा था, तो मोबाइल देखता हूँ मैं आपको, मोबाइल दिखाता हूँ मोबाइल कितना डाल रखा है, कितना डालना चाहिए। देखिए अब ये जो गेज होते हैं ना, इसमें निशान होते हैं, ये निशान है, देखना मैं गेज आपको दिखा दूँ। भाई साहब देखिए ना, ये यहाँ तक है, ये लगभग ये यहाँ तक है, यहाँ तक, और गेज से देखिए कितना ज़्यादा है। तो ये मुझे निकालना पड़ेगा, और ये भी मैं बताऊंगा कि कितना मोबाइल आपको डालना है, जितना कितने गेज में होना चाहिए, जिससे इंजन में कोई दिक्कत ना हो। देखिए मैंने अभी उतना तेल जो निकाल लिया है, अभी और है इसमें, तो ये भी मैंने पूरा निकाल लिया है। और इसमें क्या है ना कि डीजल मिक्स हो रहा है, डीजल मिक्स हो रहा है, इसीलिए मोबाइल बह रहा है, तो मुझे उसके लिए पंप खोलना पड़ेगा। सो पंप खोल रहा हूँ मैं, सो इसके बाद आपको रिपेयर कैसे पंप, ये डीजल वाली मसला कैसे ख़त्म करना है ये भी बताता हूँ मैं। सो मैंने मोबाइल तो पूरा निकाल लिया इसका, अब मुझे पंप खोलना पड़ेगा। ये पंप मैंने खोल लिया है, ये का ढीला या रहा का, सो उसको भी मैं आपको पहले इसको टाइट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ उसको कैसे पंप खोलना पड़ेगा उसके लिए मुझे। मोबाइल निकाल लिया है, देखिए ये जो इसमें मोबाइल में शायद ये बहुत ज़्यादा हो गया है, इसका मतलब इसमें जो डीजल है वो मिक्स हो रहा है। तो अगर मोबाइल ज़्यादा हो जाएगा तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा, और इंजन जो है अपने आप बैक मारता रहेगा, इंजन स्टार्ट नहीं होगा पर इंजन जो है बैक मारता रहेगा। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान दें, अगर मोबाइल ज़्यादा है ना तो इंजन कभी भी स्टार्ट नहीं होगा। तो मैंने इसको खोल लिया है, अब देखते हैं क्या दिक्कत है जो जिसमें डीजल जा रहा है। हाँ तो दिक्कत आप समझ गए, जब भी नया पंप डालते हैं हम, तो मैंने तुम्हें कई बार पंप सेट करते समय मैंने क्या कहा था आपसे कि यहाँ पे जो या तो वार्सल लगाएं, और मैं तो सबसे ज़्यादा लगाता हूँ धागा, यहाँ पे धागा अगर लगा देंगे ना तो ये कभी भी इंजन का जो है ना, मतलब मोबाइल डीजल में नहीं मिक्स होगा। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान दें। अब इसमें क्या है ना, मैं अभी ये सेट करूँगा जब, तो पंप की वीडियो अलग है मेरे पास, देख लेना आप। और इसके बाद दोस्तों मैं इसमें धागा लगाऊंगा, फिर आपको दिखाता हूँ कैसे धागा आपको लगाना है। तो देखिए मैंने ये धागा लगा दिया यहाँ पे, ये दिख रहा है ना धागा, ये धागा मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और इससे लगाने से जो ये समस्या है ना डीजल मिक्स होने की, तो ये समस्या जो है ख़त्म हो जाए। और दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और दोस्तों हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन दबा देना, ऑल पे कर देना, जिससे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल सके।